First, do you see that there is a sort of a timing that this incident has happened? Do you see that there is an ulterior motive why this incident has taken place now when the by-elections are also, you know, on the horizon? देखिए, ये बाई इलेक्शन इसका कुछ मतलब नहीं है. 365 डेज 24 आवर्स पूरा दिन तृणमूल का ये जो टेररिस्ट का जो अटैक जो लड़ाई ये सब होते हैं. अभी तृणमूल ने बीजेपी को मारते हैं, अभी तृणमूल दोनों ग्रुप का अभी लड़ाई शुरू हो गया है. और ये जो लड़ाई है वो सैंड माफिया का लड़ाई है, बालू माफिया का और स्टोन माफिया का लड़ाई है. कितने कौन पैसे ले सकती इसका लड़ाई है. जो भादू शेख का जो मौत हो गया है वो पंचायत उप प्रधान है, तृणमूल का ही उप प्रधान है. लेकिन उनके बाद जो 10:30 बजे के बाद जो घटना घटी है, जो 10 जगह में एक गांव के 10 घर में आग लगा दिया और उसमें बहुत सारा महिला बच्चे लोग थे. अभी तक कितना डेथ हो गया अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन लोकल लोग बोल रहे हैं कि 15 से 20 लोगों का मौत वहाँ पे हो गया है. राइट मैम, यू मेंशन दैट देयर इज अ स्टोन माफिया, देयर इज अ सैंड माफिया दैट इज गोइंग ऑन. हाउ डीप डू यू थिंक द रैकेट इज गोइंग ऑन इन वेस्ट बंगाल? बहुत बहुत सालों से हम लोग जानते हैं कि काउ स्मगलिंग होता है, कोयला का माफिया रहते हैं, सैंड माफिया रहते हैं, स्टोन माफिया रहते हैं. बहुत सारा माफिया को लेकर राजनीति तो वहाँ पे चलते हैं. और बीरभूम तो पूरा बारूद के स्तूप में एकदम है और शंतराज का एकदम डेन है. राइट मैम, मैम व्हेन डिड यू एग्जैक्टली मीट विद द होम मिनिस्टर? जस्ट वन आवर बैक. सो आर यू ऑल्सो गोइंग टू डिमांड दैट यू नो ओवर द ईयर्स वट एवर वायलेंस इज टेकिंग प्लेस समथिंग नीड्स टू बी डन ऑन दोज वायलेंस एज वेल सो दैट यू नो इन फ्यूचर दीज एक्शंस डोंट टेक प्लेस? उनको पास विचार के लिए गए थे, उन्होंने तुरंत फोन करके 72 आवर्स में उन्होंने रिपोर्ट मांगे हैं. चीफ सेक्रेटरी के साथ बात करके उन्होंने एक टीम भेजने का अभी तैयार कर रहे हैं और कितना क्या एक्शन राज्य सरकार ने लिया है वो भी रिपोर्ट मांगी. राइट, थैंक यू सो मच मैम.